हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हो बॉर्न टू राइड चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं राइड पे, तो निकलते हैं घर से। आज वैसे भी गाइस बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है मुझे, बिकॉज आजकल थोड़ा काम वगैरह घर पे मुझे देखना पड़ता है, बिकॉज हमारी भागवत वगैरह, तो उसके लिए सामान वगैरह लाना पड़ता है। तो गाइस अभी दिन में ब्लॉक कर रहे हैं हम, तो गाइस मिलते हैं आपको आगे। पहले तो अपने फ्रेंड को पिक करेंगे जो मेरे साथ जा रहा है, उसके बाद देखते हैं गाइस, मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस हम जा रहे हैं डोईवाला साइड, तो गाइस दिखाते हैं आपको आगे क्या सीन रहता है आज। तो गाइस बने रहे हमारे ब्लॉग में। सो गाइस कल मेरा नेटवर्क एरर हो रहा था, इस वजह से कल का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ है। मैंने गाइस 3 या 4 बार अपलोड किया तब जाके वो ब्लॉग अपलोड हुआ है। तो गाइस पता नहीं क्यों आजकल बहुत ही ज़्यादा एरर हो रहा है। परसों भी मेरे साथ यही हुआ, वीडियो डली नहीं, तो इस वजह से मैंने डाली भी नहीं। मैंने 2-3 बार कोशिश की बट वो डली नहीं। तो कल भी ऐसी हुआ, मैंने कल शाम को 6 बजे अपलोड कर दी थी, वो रात के 11-12 बजे अपलोड हुई है जाके वीडियो। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों, नेटवर्क एरर है कि यूट्यूब एरर है, कुछ पता नहीं है गाइस, बिकॉज अभी हमने शुरू किया है, इतना नॉलेज है नहीं, धीरे धीरे करके ही नॉलेज गेन होएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हो इस रोड पे आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बिकॉज आज है संडे, तो सारे लोग घूमने वगैरह निकलते हैं, तो यहाँ बहुत कम चांस है कि जाम लगेगा। आजकल इधर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे दोनों साइड कारें कारें, और हमें क्या, हमारे पास तो बाइक। सो गाइस जो मेरी एक्सीडेंट की लोकेशन थी वो यही थी, यही वो गंदी से गंदी जगह जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। गाइस यहाँ से वो बाइक वाला आया था रॉन्ग साइड में पूरी भगाते हुए, और यहाँ पे उसने मेरे को हिट किया था, जिसकी वजह से गाइस मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था, मेरी बाइक ही लॉस हुई थी, और उस बंदे का हाथ और पैर और सर का ऑपरेशन हुआ। बिकॉज मेरी थोड़ा हैवी बाइक थी, वो स्प्लेंडर में था, तो इस वजह से उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मेरी बाइक में जब हिट हुआ तो मेरी गाड़ी ने पूरा इंपैक्ट अपने में संभाल दिया था, जो इसका फेयरिंग टूटा था वो मेरी आँख के ऊपर लग गया था, जिस कारण से आँख के ऊपर मेरे कट आ गए थे। तो गाइस आँख के ऊपर मेरे 9 टाँके लगे थे उस टाइम। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन हुआ था उस टाइम से, होता है ना एक उम्मीद ही टूट जाती है। तो गाइस मिलते हैं आपको अभी आगे। सो फाइनली गाइस हमारा काम हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं स्टेडियम साइड। उधर थोड़ा ऑफ रोडिंग भी होगी गाइस, तो काफ़ी टाइम से ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह भी करी जाए। तो गाइस मिलते हैं आपको सीधा ऑफ रोडिंग में। देखिए आप देख ही सकते हो रोड का स्टार्टिंग हो चुकी है, तो अभी थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के मजे लेंगे आज, क्योंकि गाइस अभी मैं कल या परसों में गांव निकल जाऊंगा, तो बाइक इधर ही रहेगी, बिकॉज हमें सामान वगैरह लेके जाना है, तो स्कूटी वगैरह में लेके जाऊंगा, तो इस वजह से ब्लॉक को स्कूटी में ही शूट करा जाएगा। तो मैंने सोचा आज या कल, उसके बाद पता नहीं गाइस, कम से कम 24-25 के बाद ही बाइक के साथ राइडिंग ब्लॉग आ पाएंगे, उससे पहले स्कूटी में ही ब्लॉग वगैरह करेंगे। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे ऑफ रोडिंग की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से। तो गाइस ये जाती है गाइस शॉर्टकट है ये रायपुर का, जैसे कि आप देख ही सकते हो कितने सारे लोग आए हैं इधर अपनी पिकनिक वगैरह मनाने। जी जी हाँ जी हाँ जी, पूरी जाती है रायपुर स्टेडियम है ना, उधर से जाएगा ये मैं। हाँ तालाब आगे पर वो इधर साइड पे है। सो गाइस अंकल हमें पूछ रहे थे कि ये रास्ता बाहर निकलेगा, मैंने कहा हाँ देहरादून निकलता है गाइस ये रास्ता रायपुर। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
खराब रोड है। तो गाइस आगे अभी नदी पड़ेगी, तो उधर जा, उधर साइड थोड़ा मस्ती करेंगे बाइक के साथ, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है, या तो घर जाएंगे या तो आगे कंटिन्यू ही रखेंगे। तो गाइस इधर है एक नहाने वगैरह की जगह, काफ़ी अच्छी जगह है, अभी बनी है, तो अगर जो लोकल के हैं जिन्हें पता नहीं है वो आ सकते हैं इधर, काफ़ी अच्छी जगह है नहाने वगैरह के लिए, और एकदम साफ पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं आजकल उधर। तो गाइस अभी हम थोड़ा फुल पावर में फेल रहे हैं बाइक को, बिकॉज ऐसी रोडों पे आता है बहुत ज़्यादा मजा। ओ गाइस सो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, और आज गाइस अभी तो 1:30 बज रहा है, तो अभी यहाँ ठंडा ही हो रखा है, देख जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ठंडा मौसम है, उधर साइड तो धूप है, ये जंगलों के बीच से होते हुए ये रास्ता जाता है, इस वजह से इधर बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, और मैंने कहा ठंडा भी हो जाएगा और हमारा ब्लॉग वगैरह शूट भी हो जाएगा, थोड़ा फन भी हो जाएगा हमारा, तो गाइस बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो गाइस गाड़ी की मर रही है इधर रेड, बिकॉज यहाँ की रोड हो चुकी है पहले से ज़्यादा खराब, और मोहित बोल रहा है भाई इतना मत उछालोगी इस गाड़ी को। मैंने कहा क्या करे भाई, रोड ही ऐसी है तो उछालनी तो पड़ेगी। सो गाइस ये यहाँ की नदी जैसे कि आप देख ही सकते हो अभी सूखी पड़ी है, बिकॉज आजकल धूप वगैरह ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से सूखा है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं बड़ासी के पुल, जैसे कि हाँ आए थे एक बार क्या, बहुत बार आए हैं, हाँ जब पानी रहता था इधर, पानी से बीच से पार कराई थी गाड़ी, ये भूल गया, हाँ आ गया याद, तो ये भूल गया था गाइस, इसे मैं पहले बहुत बार ला रखा हूँ इस रास्ते, ये भूल गया था तो मैं इसे बता रहा था कि। तो गाइस ये रास्ता यहाँ से जाता है सीधा रोड में, बट हमें ऑफ रोडिंग करनी है तो हम चलेंगे आगे। सो गाइस इधर तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आई है, रोड भी बुरी हालत हो, तो इधर तो स्टैंड वगैरह करना बेकार ही है, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं कहीं अच्छी सी जगह। सो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे यहाँ से, बिकॉज उधर थोड़ा ऑफ रोडिंग ही थी, यहाँ पे सही रोड है तो थोड़ा मजे लेते हैं ब्लॉक के, आप भी मजे लो गाइस ब्लॉक के, और हम भी मजे लेते हैं गाड़ी के। तो गाइस यहीं से अभी हम न्यूटन ले लेंगे आगे से, बिकॉज आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है दिन का, और गर्म भी हो रहा है गाइस, मैंने हेलमेट वगैरह पहना है तो इस वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस मिलते हैं आपको आगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो सामने पुलिस वाले जा रहे हैं, और उन दोनों ने हेलमेट पहना है, ये काफ़ी अच्छी बात है, कुछ होते हैं कि वो पहनते ही नहीं है अपनी वो है। तो गाइस मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस आज की राइड यहीं तक, अब चलते हैं हम वापस, बिकॉज मेरे फ्रेंड का भाई आ रहा है ऋषिकेश से, तो वो भी पहुंचने वाला होगा, उसे पिक करना है, उसके बाद चलेंगे हम घर। तो गाइस मुड़ाते हैं यहाँ से गाड़ी और चलते हैं कहीं दूसरी जगह। सो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बड़ासी पुल, ये है बड़ासी पुल, इधर के लोग, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है बड़ासी पुल, इधर के लोग ज़्यादातर शूट फोटो शूट वगैरह इसी पुल में करते हैं, बिकॉज यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी वापस, जैसे कि आपको पता ही है मैंने बोला था हम आज की राइड इतनी, बिकॉज यहाँ थोड़ा हम फिर चलेंगे गाइस मोहित के भाई को लेने।
सो गाइस, हमने डला दिया है तेल, तो चलते हैं अब सीधा घर, बिकॉज मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है कि काम है। तो गाइस मिलते हैं सीधा आपको घर में। सो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं घर। पापा बोल रहे हैं बाहर कर दे गाड़ी, चलते हैं अंदर और क्या सीन है देखते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, चलो गाइस करते हैं एडिट और उसके बाद करते हैं पोस्ट। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट प्लीज़। ओके बाय बाय टाटा।